और सब तो सब बुक कर लीजिए सोच रहे आनंद रहिए आगे बढ़ते रहिए इसी तरह नमस्कार जी कैसे हैं आप लोग जी स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी हम हो गए हैं तैयार, जनों का जो सेरेमनी है अच्छे से हो गया, आदर सम्मान सत्कार व्यवहार किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रही, काफी मजा आया। और फिलहाल अभी चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए और नाश्ता करके हम लोग निकलेंगे। जिया जो है सारा सामान सब यहाँ पर एडजस्ट कर रही है, उसे लगभग हो ही चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, निपटा लो जल्दी से सारा। ठीक है, कहाँ यहाँ बैठ जाए। क्या खा ले हो? बोलो क्या खा रहे हो बाबू? क्या आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बुनिया। बुनिया हमें तो पता था, स्टिंग पसंद है। हमको स्टिंग पसंद है और बुनिया दोनों हम डाल देते हैं। जी हम तो तैयार बैठे हुए थे कि अब निकलेंगे तब निकलेंगे, लेकिन यहाँ बात ही कुछ अलग हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं जी सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज रुक जाने के लिए, लेकिन हमारे लिए जाना जरूरी था इस वजह से उनके रिक्वेस्ट को नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन जी सारे बच्चे इतने रिक्वेस्ट करने लगे कि क्या कहे जी, आप ही देखिए आगे। तो भैया का क्या डिसीजन हुआ फाइनली? रुक रहे हैं ना? A few moments later. जी हमें निकलना तो था कटिहार के लिए, लेकिन हम रुक गए यहीं पर, क्योंकि हुआ क्या जी, इतने सारे लोग यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करने लग गए कि आज एक दिन बस रुक जाइए, कल आप चले जाइएगा। तो सभी बड़े बुजुर्ग और जितने भी छोटे बच्चे थे सभी के बात को जो है काट करके निकलना अच्छा नहीं लगा। हम भी बहुत बताए कि घर में थोड़ा जरूरी है हमको निकलना, बात क्या है कि क्रियांश के जन्मदिन की सारी तैयारी सभी करनी है, वैसे सब कुछ तो हमने ऑर्डर कर दिया है, सब कुछ तो हमने बुक कर लिया है, लेकिन बात क्या है कि अब हमें कार्ड भी बांटना है और अच्छा खासा कार्ड है जो हमें बांटना है। उसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल होता है वह सभी लेना है खाने का, क्योंकि अभी जो है लगन का समय चल रहा है और सभी कुछ एकदम मार्केट में नहीं कहते हैं एकदम गजब डिमांड पर है सब कुछ, तो अगर पहले हर चीज जो है बुक करके नहीं रखा जाए तो बहुत ही दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमें जाना था। लेकिन अब सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो अच्छा नहीं लगा, और देख रहे थे दिया को भी थोड़ा सा मन था रुकने का, तो इसलिए यहाँ पर रुक गए। बाकी अभी चलते हैं नीचे, नीचे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, बुलावा है, तो देखते हैं क्या बात है। यहाँ पर देख सकते हैं जी सभी लोग इकट्ठा है, अच्छी खासी संख्या में सभी लोग है यहाँ पर, और यह होम टूर कराया जा रहा है। अच्छा एक किचन है इधर, एक रूम। अंकल जी सभी को करवा रहे हैं अपना होम टूर, देख सकते हैं यहाँ पर आधा लोग हैं, कुछ लोग उधर हैं और कुछ लोग इधर और बाकी लोग उधर हैं, तो पूरा रूम भर चुका है यहाँ। और यहाँ पर आंटी जी बना रही है चाय, अच्छा खासा ड्यूटी लग गया लेकिन बहुत सारे लोग आ गए अचानक से। हाँ ये भी अच्छा ही है ये भी सौभाग्य होता है कि इतने सारे लोग एक साथ। हाँ बिल्कुल, हाँ आजकल का जो लाइफ है बहुत बिजी लाइफ है सबका। चलिए चलिए यहाँ इतने सारे लोगों के लिए चाय का इंतजाम किया जा रहा है। ओए कौन क्रियांश चाय पिएगा? क्रियांश पास से
हाँ उसको खाली कप दे दे। ये भी आगे जा रही चाची आई। The next day. अच्छा खासा जी समय बिताकर कुछ बेहतरीन यादें समेट कर अब बारी हो चली है जी विदाई की। तो अब जो है हम लोग चल रहे हैं, पिछली रात जब यहाँ पर रुके थे तो पूरी रात गप्पे सप्पे मारे और बहुत ज्यादा मजा आया जी। और फिलहाल जो है सारा सामान सब जो है समेट कर ले जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और सभी लोग वहाँ पर आए भी हुए हमें छोड़ने के लिए। वहाँ फ्रिज में सब मिठाई सब सड़ गया हुआ है, चारों तरह से मिठाई हम रहे फ्रिज में। खुश रहिए, आनंद रहिए, आगे बढ़ते रहिए इसी तरह। ऑटो से नहीं जाना है तो बहुत समय लगेगा, 20 मिनट। ठीक है, हम चला देंगे, छूट जाएंगे। One hour later. तो हम लोग अभी बीच रास्ते में रुक गए हैं जी चाय पीने के लिए। जैसा कि यहाँ पर हम लोग रुका करते हैं, जब भी इस साइड से गुजरते हैं तो एक बार चाय जरूर ले लेते हैं यहाँ पर। और साथ में आए तो सोचते हैं यहाँ का चाय जरूर पिलाते। वैसे चाय तो पिए होंगे वो यहाँ का, फिर भी सोचते हैं पिलाते, इधर से गुजर रहे हैं ना। तो बिल्कुल गुजर रहे हैं तो चाय पीना ही चाहिए। तो चाय पी करके फिर जो है हम लोग निकलेंगे अपने अपने रास्ते से।